करेगा हमें मजदूरी दो, लोगों को रोजगार दो, खेतों मजदूरी दो। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. ये हम लोग जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है उसमें जो 100 दिन का रोजगार है वो 200 दिन की डिमांड लेके और औजार भत्ता दिया जाए प्रतिदिन 20 रुपये, वो मांग लेके हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जितने भी अजमेर के सामाजिक संगठन हैं उनकी तरफ से ये ज्ञापन है और ये पूरे राजस्थान में ये अभी किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया है एडिशनल कलेक्टर को, और हमारी ये मांग है कि लोगों को 200 दिन का रोज़गार दिया जाए, और औजार का भत्ता दिया जाए। साथ ही यहाँ पर हम लोग गाँव में जब काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं है, छाया के लिए कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल किट भी पूरी तरह से नहीं है, तो ये जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से की जाए और पूरा का पूरा दाम दिया जाए। हम लोग केकड़ी, भिनाए, सरवाट, श्रीनगर सारे गांवों में काम कर रहे हैं और वहाँ पे अधिकतर जगह पे जो सैनिटाइज़र है वो तो कहीं पर भी नहीं है गांवों में। इसके अलावा ये है कि एक परिवार से एक टाइम में एक ही व्यक्ति को रोज़गार दिया जा रहा है, क्योंकि मस्ट्रॉल की कमी है तो वो भी बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम आए गाँव में ताकि ज़्यादा लोगों को मिले, क्योंकि कोविड की जो स्थिति है अभी उसमें लोगों को बहुत ज़रूरत है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े होंगे लोगों के लिए। और ख़ास करके जो प्रवासी लोग आए हैं उनको मिलना चाहिए रोजगार। आपका नाम? मेरा नाम करुणा है, महिला जन अधिकार समिति अजमेर से। आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं महिला जन अधिकार समिति अजमेर से हूँ और हमारी जो इसके अंदर खास मांगे हैं कि जो मनरेगा जो गाँव के अंदर चल रहा है उसके अंदर 100 दिन का रोज़गार है, उसको 200 दिन कम से कम बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति के अंदर हमारे गांव शहर से प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद के अंदर गांव के अंदर पहुंचे हैं और जो ये 100 दिन का रोज़गार है ये 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है। तो हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करना आए हैं कि ये जो केंद्र सरकार की नीति में बदलाव करें और लोगों को 200 दिन का मजदूरी स्वीकृत करें। इसके साथ साथ जितने भी मनरेगा के अंदर मजदूरी करने लोग जाते हैं उनको 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से औजार भत्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि मजदूर अपने औजार लेकर के वहाँ पहुँचते हैं तो ये भत्ता भी उनका स्वीकृत किया जाए। इसके अलावा जो भी गांव के अंदर जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक विशेष रोज़गार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की मार पहले ही जो प्रवासी मजदूर वो झेल रहे हैं और वो जैसे तैसे पैदल चल के या अन्य साधनों के माध्यम से गाँवों तक पहुँचे हैं। अब अगर इस स्थिति में अनलॉकडाउन हुआ है और उनको रोज़गार नहीं मिलता है तो ये एक बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है भारत देश के लिए। इसलिए हम प्रधानमंत्री को यहाँ ज्ञापन देना आए कि अभी मौका है हमारे पास में, अभी मौका है कि हम ये 200 दिन की मजदूरी बढ़ा दें, क्योंकि 30 जून को ये ख़त्म हो रही है। जुलाई से अगर हम ये 200 दिन की मजदूरी बढ़ा देते हैं तो उन लोगों के लिए जरिए खुल जाएंगे, जो प्रवासी मजदूर अपने घरों के अंदर पहुँचे हैं उनको वहीं पर रोज़गार मिल जाएगा। इसके अलावा जो जिन लोग जो फैक्ट्री मजदूर कारखाने में काम कर रहे हैं उनको मानदेय नहीं मिला है, भत्ता नहीं मिला है, उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे जो स्थायी मजदूर हैं जो ये प्राइवेट नौकरियों में लगे हुए हैं उनको उनका रोज़गार मिले, उनका जो पूरा मेहनताना उनको मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का मेहनताना उनका काटा नहीं जाना चाहिए। यही आज की हमारी मांगे हैं और हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय विशाल दवे जी को यह ज्ञापन सुपुर्द किया है। नाम सिल्वेस्टर है, महिला जन अधिकार समिति अजमेर से।